अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों वीडियो में बात करूंगा, जहाँ आज पेपर था एमयू का, जामिया निकल रहा है मेरे मुंह से, कल जामिया का था ना, अभी इसका बीकॉम का, आज एमयू का है पेपर, आपके सामने है दोस्तों। बताऊंगा आपको इसके आंसर पेपर के, जल्दी से चलते हैं दोस्तों पेपर की तरफ। और सब्सक्राइब तो आप शायद कर ही लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों ये आ चुकी है आपके लिए पहले इंग्लिश, जल्दी जल्दी से आप इसके आंसर मैच कर लीजिए। पहले का आंसर है मर्सी पिटिशन, तो दूसरे पे चलते हैं दोस्तों। सेकेंड का दोस्तों आंसर होगा विदाउट लीविंग अ विल, तो इसका आंसर दोस्तों होगा इंटरस्टेट, इसका आंसर होगा। तो उसके बाद बात करते हैं आगे तीसरे सवाल पे, तो इसका आंसर होगा ही सैड दैट ही वॉज अनवेल, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। सवाल नंबर चार पर दोस्तों अब हम चल रहे हैं। सो यहाँ सवाल नंबर चार पे आ जाइए आप, तो इसका आंसर होगा एडल्ट का मतलब क्या होता है। एडल्ट का मतलब होगा अ पर्सन ऑफ फुल एज, इसका आंसर दोस्तों आंसर ये होगा एडल्ट। दोस्तों पाँचवें का दोस्तों आंसर होगा आपके लिए, दोस्तों उसके बाद पाँचवें दोस्तों आंसर है बोना वैकेंसी, तो इसका आंसर होगा ए। तो सिक्स पे चलते हैं, तो सिक्स का आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ए, इसका भी आंसर ए होगा। सेवन पे चलते हैं जल्दी से, डिग्री दोस्तों होती है फाइनल। और चलते हैं सवाल नंबर आठ पे, यूज़ ऑफ दोस्तों इसका आंसर होगा मौकरी, तो होगा नहीं दोस्तों, इसका आंसर होगा इसका आंसर डी होगा शिकेंड्री, लंबा लग गया दोस्तों सॉरी। डेविल एडवोकेट का मतलब होगा सी, ए पर्सन हु एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन दैट डिसएग्री विद अदर। रेड इशूड बाय दोस्तों इसका आंसर होगा मैंडमस। सो नेक्स्ट सवाल है, डिपोन का मतलब होता है टू टेस्टिफाई। सो आगे बढ़ते हैं अब, व्हाट इज मेल फेशंस एन अनलॉफुल एक्ट, इसको बोलते हैं मेल फेशंस। सो इसमें से कौन सा करेक्ट है दोस्तों, इसका आंसर होगा शी टीचेज इन अ कॉलेज। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, टर्म एडजॉर्नमेंट रेफर्स टू पोस्टपोनिंग अ कोर्ट हियरिंग। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, द प्रीएम्पशन का मतलब होता है राइट टू, दोस्तों इसका आंसर ये होगा बी। सो नेक्स्ट सवाल होगा, तो इसका आंसर ये होगा बिफोर अदर्स, हाँ इसका आंसर बी होगा। सो नेक्स्ट सवाल है, इसका आंसर होगा ए, सॉरी बी, इसका आंसर होगा एन। सो नेक्स्ट सवाल दो, शी वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट, उसी इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल होगा, ही मस्ट नॉट हैव, ये इसका आंसर होगा सी। सो आगे बढ़ते हैं जल्दी से अब, शी वेल फेल विक्टिम टू हर ओन, इसका आंसर होगा डी। मैनी पीपल इन चाइना हैव रिसेंटली डाइड ऑफ, उस बीमारी के लिए ऑफ आता है, तो इसका आंसर ऑफ होगा। डिजास्टर वगैरह अगर कोई और होता है उसके लिए आपका, हंगर वंगर उसके लिए आपका, क्योंकि ये भी है बीमारी है, तो इसके लिए ऑफ होएगा मोस्ट प्रोबेबली। आर्ट इज लाई शॉर्ट, ये मैगजिम है, एक प्रोवर्ब है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, द एक्सप्रेशन दे फेल टू, इसका आंसर होगा मिस अंडरस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट सवाल है, रेशमा इज अ सिंपल गर्ल प्लेन नो फॉपरी। सो नेक्स्ट सवाल, आई टू आई का मतलब होता है एग्रीइंग विद समवन। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, फिल इन द ब्लैंक दोस्तों, इसका आंसर होगा द ग्रीडी शॉपकीपर, दोस्तों इसका आंसर होगा सी। अब चलते हैं दोस्तों आगे, आ चुका है आपके लिए अकाउंट, द करंट एसेट्स 221, वर्किंग कैपिटल है 60,000 रुपीज़। तो करंट एसेट दोस्तों आपका लिए वो ये होता है आपका करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, दोस्तों ये वाला पार्ट इसका दोस्तों आंसर यही होगा, बस ये होगा। सो आगे चलते हैं, पहले ये इसको पार्ट को अभी हम नहीं करते हैं दोस्तों, ये वाला सवाल तो कर लेते हैं, गुडविल बॉट एंड बाय इनकमिंग पार्ट इन कैश, तो ये इसका आंसर दोस्तों डी होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है इसका आंसर। दोस्तों व्हाट इज़ अ प्रॉफिट, ये आसान सवाल था, ये होगा आपका एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसका आंसर होगा करंट रेशियो, इसमें डेट का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, मिस्टर एक्स, इसका आंसर दोस्तों होगा इन्होंने ख़रीदा है, एक लाख पेमेंट कर दिया है, चार लाख, तो चार लाख का एसेट बढ़ जाएगा और चार लाख की आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी दोस्तों, ये इसका आंसर ए होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके लिए था ए एंड बी,
इसको छोड़ देते हैं, अभी सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज, दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है आपके लिए, एक मिनट, तो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर होगा, इसको अभी आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों है आपके लिए अशोक, दोस्तों इसका आंसर होगा बी, 33 का बी होगा दोस्तों, 34 90 डेज, इस सवाल पहले भी आ चुका है। इसका आंसर ए होगा दोस्तों, 35 का आंसर, इसको दोस्तों छोड़ देते हैं अभी। इसका दोस्तों होगा आपका 36 का बी होगा, 37 एक्रूड इनकम करंट एसेट होगा आपका, ये क्योंकि आपकी इनकम हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ इसका होगा इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, कंप्यूटर सिस्टम अगर आप लाएंगे तो किस में कौन सा उसका एडवांटेज नहीं है दोस्तों, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है रेशियो, इसका आंसर दोस्तों बी होगा, ए सी एन डी। तो नेक्स्ट है दोस्तों मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज एटलीस्ट, उससे ये होगा आपका 90% होता है, 90% आपका कम से कम वो सब्सक्राइब होना चाहिए। सो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी, इसको भी अभी छोड़ देते हैं दोस्तों, इसको भी छोड़ देते हैं दोस्तों, और इसको भी अभी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं अभी। मैनेजमेंट इज़ अ रिलेशनशिप एंटिटी, ये इस पर आ जाते हैं अभी, उनको सॉल्व करना पड़ता है इसलिए टाइम लगता है। एस्पेक्ट द कॉर्प इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं मैनेजमेंट का, कॉपरेटिंग नहीं होगा, सी इसका आंसर। द आरबीआई इज़ द किंगपिन ऑफ इंडियन मनी मार्केट दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। विच बैंक इज नोन एज, होगा आरबीआई। फाइनेंस फंक्शन इंक्लूड कैपिटल मिक्स डिसीजन होगा, कौन सा एक्विटी फंड का पार्ट नहीं है, डेट इसका आंसर होगा। डेट फंड कौन सा है, डिबेंचर है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन नीड, सो इसका आंसर नीड होगा। मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट सवाल, ऑल ट्रेडमार्क्स आर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये इसके भी काफ़ी ज़्यादा आपको डिमांड रहती है। डिस्ट्रिक्ट फोरम इज, ये होगा आपका ड्रेसल एजेंसी। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। मोर डायरेक्शन इज रिक्वायर एट लोअर लेवल, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंडिया में एम वन मनी क्या होती है, करेंसी विथ पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एसोसिएटेड विद मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, यहाँ पर आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो बिकॉज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसका आंसर होगा, कुछ पैसे तो आप खाएंगे ही। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ए होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट रदर देन बोरोइंग, इसका दोस्तों आंसर होगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन, इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। बजटरी डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रेवेन्यू, सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों है आपके लिए 68, तो इसका आंसर होगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो इनमें से इसका आंसर होगा, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम दोस्तों, इनकम किस में नहीं बढ़ेगी आपकी, ये बढ़ जाएगा इसमें नहीं बढ़ेगी, डी वाले में। मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल। अगला सवाल है, असेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, इसमें से कौन सा मोड का फॉर्मूला है, इसका आंसर ये वाला होगा। इसका आंसर दोस्तों होगा सम ऑफ द स्क्वायर डिवीजन मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीन, इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज, इसका आंसर होगा मोड, मोड जो है वो एवरेज नहीं होता है। लॉरेंस कर्व स्क्यूनेस को शो करता है, इसका आंसर होगा
वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन, ये होता है आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन। प्रोबेबिलिटी रेंजेस इसका आंसर ए होगा। थ्योरेटिकली द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर इज, उसका आंसर उसका अरिथमेटिक मीन ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, थोड़ा डाउट है इस पर ध्यान रखिएगा। अगर इंडेक्स नंबर इसका आंसर होगा ऑल द अबव, इसका दोस्तों आंसर होगा पी ए ओवर बी सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इन द टर्म इज एस बी एल, ये इसका आंसर होगा दोस्तों 82 पे आ जाते हैं, इसका आंसर होगा बी। 83 पे चलते हैं जल्दी से, 83 का आंसर होगा ए। 84 पे चलते हैं दोस्तों जल्दी से, 84 का आंसर होगा टी एस। अगला दोस्तों आपके लिए है, इसका आंसर होगा मंडे। 86 पे आ चुके हैं, इसका आंसर होगा डॉटर इन लॉ। 87 दोस्तों इसका आंसर होगा, इसमें कहीं एन नहीं है तो ग्रीन कैसे बन जाएगा, ग्रीन होगा इसका आंसर। दोस्तों यहाँ आपको बताना, चूज़ द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड, विच कैन बी फॉर्म्ड नॉट, तो ग्रीन तो बनेगा ही नहीं, विच कैन बी फॉर्म्ड है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा एन ई जी आर ओ, वो तो इसके अंदर है ही नहीं दोस्तों, ग्रीन बन जाएगा ना जी आर, कौन इसका आंसर ग्रीन होगा दोस्तों, कौन सा बन जाएगा, नहीं वाला नहीं है। 88 इसका आंसर होगा 7। 89 दोस्तों ये सवाल आसान था, इसका आंसर होगा 41 दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए अब, इसका आंसर होगा दोस्तों हाउ मेनी पेयर ऑफ डिजिट आर इन द नंबर 9 4 3 1 6 5 8, ईच ऑफ विच हैज़ मैनी डिजिट्स, इसका आंसर उसको छोड़ देते हैं अभी, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा उत्तराखंड, ये सवाल 2011 का आया है। इनकम टैक्स जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था, दैट क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल, इसका आंसर होगा द हेग। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था अच्छा, फॉलोइंग इसका आंसर होगा आई एल ओ, सवाल मुश्किल था, कोई ना कर पाया होगा, तुक्का लग गया तो लग गया हो। डूवेंट लाइन दोस्तों, डूवेंट लाइन वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन उस टाइम इंडिया अफगानिस्तान ही था, तो इसका आंसर ये वाला होगा। सो ऑन द सरफेस इसका आंसर होगा बी। चलते हैं 97 पे दोस्तों, इसका आंसर होगा रिएक्टर ही होगा इसका हार्ट, क्योंकि वहीं पर सारा काम होता है। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये सवाल थोड़ा डाउटफुल है, ये भी इसका आंसर डी हो सकता है, लेकिन ये सवाल डाउटफुल है क्योंकि तीन तीन बार कर चुके हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे, ये अगर होगा तो डी ए ए होगा इसका आंसर, ए इसमें से, ये बड़ी लेकिन डाउट है इसके अंदर, इसमें से कौन सा हॉकी में नहीं आता है, इसका आंसर होगा टी। क्रिप्स मिशन ने क्या किया था, डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया था। सो मैंने लगभग आपको ये 90 क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं, सारे आंसर ऑलमोस्ट ठीक होंगे, आप चेक कर लीजिए। इसके बाद कट ऑफ की वीडियो आएगी, बताऊँगा कट ऑफ कितनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।